स्वागत है आपका सिने स्पीक्स में और मैं हूं दिव्यांशी। उडारिया में आलिया एक बार फिर अरमान के घर में घुसने की कोशिश करेगी। हालिया एपिसोड में रिफत भी आसमा को बचाने के लिए खुद को शहनाज के रिश्तेदार होने का ड्रामा करती है। शहनाज अनुरोध करती है कि वह आसमा को घर के अंदर रखे और उसे कोठे पर भटकने ना दे, वह अंदर का रास्ता दिखाती है। जब अरमान घर लौटता है तो वह देखता है कि सुखी और उसके रिश्तेदार 13वें दिन राजा की अंतिम रस्में निभा रहे हैं। उत्तेजित होकर वह फोटो से माला खींच लेता है और पवित्र अग्नि को बुझा देता है और पूजा बंद कर देता है। गुस्से में रानू उससे कहती है कि वह अपने भाई की आत्मा को शांति नहीं देना चाहता है। वह सवाल करता है कि उसे अपनी माँ के बारे में यह झूठ कैसे स्वीकार करना चाहिए। अपनी आंखों में आंसू के साथ रानू ने घोषणा की कि अरमान को उसकी मौत के साथ समझौता करना ही पड़ेगा। जब मुर्तजीम घर आता है तो वह शहनाज के साथ आसमा के बारे में चर्चा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रिफत भी उससे झूठ बोल रही है। कमरे में आते हुए वह उससे पूछता है कि उसने उसके मासा से झूठ क्यों बोला। वही आसमा सामने आती है और घोषणा करती है कि वह पूरी तरह से दोषी है। जब मासा ने उसे देखा और अपना चाकू उठाया तो वह छोटे बच्चे को बचाने के लिए जल्दी से बाहर चली गई। उसे रिफत भी ने मासा से बचाया था। वह सुझाव देता है कि अगर उसे अभी भी कोई समस्या है तो उसे शहनाज के पास जाना चाहिए और सच बताना चाहिए। आसमा को मुर्तजीम ने सूचित किया कि वह तब तक यहाँ रह सकती है जब तक वह शहनाज के सामने कुछ भी कबूल नहीं कर लेती। शबनम आती है और आसमा से बाजार जाकर कुछ सामान लाने के लिए कहती है, क्योंकि वह वहां मुफ्त में रहने और मुफ्त में खाने में असमर्थ है। जब वह गुरुद्वारे के सामने से गुजरती है तो वह बेचैन हो जाती है। यादों की हल्की चमक के साथ वह ऑटो से बाहर निकलती है और गुरुद्वारे की ओर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह इस क्षेत्र को जानती है। घर पहुंचते ही आलिया राजा का एक बार फिर अपहरण कर लेती है और पीछे से अरमान को फोन करती है। वह राजा पर अत्याचार करती है और उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। अब राजा का क्या होगा? क्या आसमा अपने अतीत को याद कर पाएगी? वही यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है।